वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अच्छा, आज ये भी डिटेल्स की है वीडियो, यानी कि बेसिक्स। अब बेसिक्स के लिए अगर आप ये वीडियो छोड़ के चले जाएंगे, भाई बेसिक्स पे काम तो करके नहीं कंप्यूटर पे दिखा रहे, तो वो बात गलत है। बेसिक्स अगर आपको पता होंगी तो काम करोगे ना। तो बेसिक्स जो है, बेसिक्स वाली वीडियो मेरी लाजमी सारे लोग देखो यार, बहुत फ़ायदा होने वाला है आप लोगों को। फ़ायदा कैसे होने वाला है कि मैं बेसिक्स समझाऊंगा तो आपको पता चलेगा ना कि यार ये फील्ड में होता क्या क्या है, स्टेप्स कौन कौन से हैं, क्या क्या चीज़ होती है। मेरी वीडियोस आगे पीछे स्टेप हो सकता है कि प्रॉपर स्टेपिंग नहीं है मेरे पास, ठीक है ना, इतना टाइम भी नहीं बनता पूरा, प्रॉपर स्टेप नहीं कि ये स्टेप पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। लेकिन जो स्किल की वीडियो मेरी होगी वो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ही जाएगी इंशाल्लाह। मेरी जो वैसे MLS पे मैंने बनाई है ट्रेनिंग छोटी सी, तो वो स्टेप बाय स्टेप मैंने बनाई है, पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। लेकिन ये डिटेल वाली बेसिक्स जो हैं, जो आपको मेन बेस पता होनी चाहिए कि अगर आप घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो भाई आपको पता होना चाहिए सीमेंट कितना कहाँ से लेना है, रेत कहाँ से लेनी है, ठीक है, मिस्त्री कहाँ से लाना है, मिस्त्री किस चीज़ से लगाएगा, पानी कितना डालना है, मिक्स कैसे करना है, ये बेसिक्स होती है ना। तो भाई ये वीडियोस मेरी बेसिक्स के ऊपर है, तो ये बेसिक्स जो है इसको लाजमी समझना है, अच्छी तरह से समझना है। और बल्कि ये वीडियो मैं पहले नंबर पे लगाऊंगा बेसिक्स के रिलेटेड। पहले मैंने दो तीन वैसे बनाई है बेसिक्स पे, रियल इस्टेट बेसिक, वो फार्मेटिंग वगैरह के ऊपर थी, लेकिन ये बाकी चीज़ों के ऊपर है, लीड्स वगैरह के ऊपर है, ये लीड्स के बाद सेलर्स वगैरह इन चीज़ों के ऊपर चल रही है, एजेंट्स, FSBO, इन चीज़ों पर चल रही है। आज जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ, प्रॉपर्टी अमेरिका की कैसे काम करती है, वहाँ का क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया वहाँ पे ये है कि वहाँ प्रॉपर्टी आपको सेल करने के लिए या परचेज करने के लिए आपको एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, लाइसेंस्ड एजेंट। अब लाइसेंस्ड एजेंट वहाँ कई रियलिटीज़ हैं। रियलिटीज़ क्या होती हैं? कंपनीज़ हैं जिनके अंडर जो हैं आपके चल रहे हैं, एजेंट जो हैं रजिस्टर्ड होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है, LLCs होती हैं, INCs होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब वो रियलिटी जो है, रियलिटी का जो एजेंट होगा वो लाइसेंस्ड एजेंट, उसके ज़रिए ही आप लोग प्रॉपर्टी सेल करते हो, परचेज करते हो, ठीक है। वो MLS का एक्सेस भी एजेंट को होता है, लाइसेंस्ड एजेंट को। MLS का एक्सेस सिर्फ लाइसेंस्ड एजेंट को मिलता है। आप अगर कोई होलसेलर है या कोई इन्वेस्टर है और साथ में एजेंट है तो उसको मिलेगा, अदरवाइज उसको MLS का एक्सेस नहीं मिलेगा। वो जब काउंटिंग वगैरह अपनी करते हैं या एयरवे वगैरह निकालते हैं, तो वो प्रॉपस्टीम से निकाल रहे होते हैं या ज़िलों से, जो और अलहदा तरीक़ाकार हैं उनसे निकालते हैं, ठीक है। उन पर वैसे मेरी वीडियो बनाने हैं, मैंने अभी टाइम नहीं लग रहा, मैं उन पर भी इंशाल्लाह बनाऊंगा कि वहाँ से कॉम्प वगैरह कैसे करते हैं या एयरवे कैसे फाइंड करते हैं। MLS पर तो मेरे ऑलरेडी ट्रेनिंग है पड़ी। तो एजेंट मेन चीज़ है वहाँ पे भाई, एजेंट के थ्रू ही प्रॉपर्टी आप लोग लिस्ट कर सकते हैं। आप जब भी कोई, अगर ज़िलों में आप फिल्टर लगा के सर्च कर रहे होते हो, प्रॉपर्टी लिस्टिंग निकाल रहे होते हो, प्रॉपर्टी सर्च कर रहे होते हो कि फलाने एरिया में प्रॉपर्टीज चाहिए, तो वहाँ फिल्टर के अंदर FSBO भी होता है और एजेंट भी होता है, और ज़िलों के नीचे उन्होंने डिटेल दी हुई होती है, ये एजेंट का नंबर दिया हुआ है, अगर ये FSBO तो ये FSBO है प्रॉपर्टी, और ये ओनर का नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो एजेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई USA की रियल इस्टेट की फील्ड के अंदर, कि एजेंट ज़रूरी है। एजेंट के बगैर उनका जो है कोई काम सही तरह से नहीं चलता, वो सारा एजेंट के थ्रू ही होता होता है। एक चीज़ ये होती है कि एजेंट के थ्रू हो रहा है, एक चीज़ ये है। दूसरा, जब बायर और सेलर खड़े हैं, वो काम कर रहे हैं, उनकी जब डील होती है तो उनकी ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एक थर्ड पार्टी होती है, जो ट्रांजेक्शन को, आपकी पेमेंट फ्लो को जो है वो कंट्रोल करती है, हैंडल वो करती होती है, डायरेक्ट पेमेंट्स का वहाँ पर सिस्टम नहीं होता। ये बेसिक्स आपको समझा रहा हूँ, वीडियो सारी देखी करो यार, अगर ये फील्ड हमारी सीखनी है तो, ठीक हो गया। एजेंट ज़रूरी चीज़ है, दोनों तरफ से एजेंट होंगे, सेलर का भी बायर का भी, और पेमेंट जो है आपकी कैरी करने के लिए, पेमेंट के आपका ट्रांजैक्शंस वगैरह जो होंगी वो आपकी करेगी, थर्ड पार्टी होगी वो करेगी, ठीक है ना। ये छोटा सा क्राइटेरिया जो उनका है, ठीक है, और पूरा उनका तरीक़ाकार ऑर्गेनाइज्ड है। कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जैसे जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट, वैसे ऑफर वगैरह भेजने वाला सारा उन्होंने बनाया, लेकिन मुझे ख्याल है इस तरह से मुझे वीडियो बना के भी पूरा ब्रीफ करना पड़ेगा ताकि लोगों को अच्छे तरह से समझ आ जाए ये पूरा प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है, प्रोसीजर कैसे हम लोग चलते होते हैं। अब मैंने एजेंट के ऊपर बनाई है, एजेंट क्या काम करता है, एजेंट का क्या अंदर किरदार होता है। एजेंट मेन चीज़ है भाई, एजेंट के बगैर वहाँ प्रॉपर्टी आप लोग नहीं सेल कर सकते, परचेज कर सकते, दोनों काम नहीं कर सकते। आपको एजेंट चाहिए ही चाहिए, किसी एजेंट के साथ लग के रियल्टी के थ्रू आप फिर ही प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं या परचेज कर सकते होते हैं, ठीक है। अगर आप होल सेलिंग वगैरह वर्चुअल कर रहे हैं तो वो फिर अलग बात है, तब भी आप किसी इन्वेस्टर को दोगे, जो एजेंट भी होगा खुद आगे सारा हैंडल करेगा, ठीक है ना। ये एजेंट के ऊपर है कि एजेंट ये चीज़ होती है। लाइसेंस होता है, इसको लाइसेंस लेना पड़ता है, लाइसेंस लेके चलता है, उसके बगैर वो नहीं कर सकता, ठीक हो गया। ये होगी एजेंट के ऊपर बात।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तो जो है वो किसी और चीज़ पर बनाएंगे, इन्वेस्टर पर बना देंगे या होल सेलर पर बना देंगे, किसी न किसी चीज़ पर बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।